खांगनीसा, मेरा नाम आरती चौहान है और मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थानियों को कड़ी बहुत पसंद होती है, लेकिन साथ में अगर पकोड़े और डाल दे कड़ी में तो और स्वाद दुगुना हो जाता है। एक बार आपने ये रेसिपी ट्राई कर ली तो आपके घर पर सब लोग मांग मांग कर कड़ी पकोड़े खाएंगे और बार बार बोलेंगे कि यही बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मिर्ची और लहसुन को अच्छे से कूट कर पेस्ट तैयार करना है। इसमें लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डालनी है। फिर हमें कड़ी का घोल तैयार करेंगे, जिसमें मैंने आधी कटोरी बेसन लिया है। छाछ में बेसन को अच्छे से घोल लेंगे। छाछ हमारे आज ही बिलोई हुई है तो खट्टी बिल्कुल नहीं है, बाकी आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। कड़ी के घोल में थोड़ी सी हल्दी और नमक डालना है, बाकी और कुछ नहीं डालना है। एक कटोरी भरकर बेसन है, जिसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाला है और थोड़ा सा मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर जो होता है वो डाला है। दही डालेंगे एक कटोरी भरकर, कम खट्टा वाला, जिससे पकोड़े हमारे एकदम सॉफ्ट बनेंगे और मुंह में डालते ही घुल जाएंगे। थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से पकोड़े का घोल तैयार कर लेंगे। आपको इसमें और कुछ भी डालना है तो आप डाल सकते हैं। बिना कुछ पकोड़े के घोल में डाले ही बहुत अच्छे सॉफ्ट और टेस्टी पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। अब हमें चूल्हे पर चढ़ानी है कढ़ाई। कढ़ाई मैंने मिट्टी की यूज़ की है यहाँ पर, और तेल डालेंगे। तेल में अच्छे से पकोड़े को फ्राई कर लेंगे। तेल में डालते ही हमने जो सोडा डाला है, जिससे पकोड़े अच्छे से फूल जाएंगे, दही डाला है जिससे पकोड़े एकदम मुलायम, एकदम मुँह में डालते ही घुल जाएंगे, वैसे पकोड़े हमारे बनकर तैयार होंगे। पकोड़े हमारे बनकर तैयार है। अब हम कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। तो उसी कढ़ाई में एक चम्मच मैंने तेल डाला है, राई जीरे का तड़का लगाया है। कढ़ी में मेथी दाने डालने हैं, बिल्कुल ना भूले, इससे ही कढ़ी का दुगुना स्वाद आएगा। प्याज डाल देंगे और हमने जो लहसुन और मिर्ची का कूटकर पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे, और कड़ी पत्ता डाल देंगे। कड़ी पत्ता बाद में डालती हूँ, जिससे जलेंगे नहीं। राजस्थानी कड़ी हम जब भी बनाते हैं तो उसमें लहसुन और जो मेथी दाना होता है वो सबसे ज्यादा डालते हैं, जिससे उसका स्वाद अच्छा आता है। लहसुन अच्छे से पके तब तक हम पकौड़े टेस्ट करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं। अब हमने जो कड़ी का घोल तैयार करके रखा है वो डाल देंगे, और अच्छे से एक दो उबाल आने तक आप अच्छे से पकाएं। और आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा आया है। इसमें हमने लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डाली है, बस तड़के में डालेंगे थोड़ी सी। कड़ी हमारे घर में जब भी बनती है तो दिमाग में यही आता है कि हरी मिर्च घर पे है या नहीं। हरी मिर्च में ही बनती है कड़ी, तो ज़्यादा स्वाद आता है। अब हमने जो पकोड़े फ्राई करके रखे हैं वो डाल देंगे, हरा धनिया डालेंगे ढेर सारा, और कड़ी हमारी बनकर तैयार है। कड़ी अगर कम गाढ़ी होगी तो भी पकोड़े डालने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। कड़ी हमारी बनकर तैयार है, चूल्हे से उतार देंगे। और मिट्टी के बर्तन में बनाने का एक फ़ायदा है कि वो बहुत देर तक गर्म रहता है, तो सब्जी हमारी अच्छे से पकती रहती है। अब हम तड़का तैयार करते हैं। एक चम्मच मैंने देसी घी लिया है, उसमें खड़े धनिए और थोड़े से मेथी दाने का तड़का लगाना है। लाल मिर्च डालनी है, और अगर कड़ी पत्ता आप उसमें नहीं डाले तो आप घी के तड़के में डाल सकते हैं। और गर्मा गर्म एकदम तड़का लगा देंगे, और आप कलर देख सकते हैं, ये कलर भी मेरे को बहुत पसंद है। और खाने में इतनी स्वाद की, जैसे घर में आज कड़ी बन गई तो दो तीन दिन बाद भी यही बोलेंगे कि वापस कड़ी ही खानी है। चावल, रोटी, पराठा या राजस्थानी है तो बाटी के साथ खाइए। ये है हमारी आज की रेसिपी। आप कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़रूर बताइए कि आगे कौन सी रेसिपी शेयर करूँ। देखिए एकदम मुँह में पानी आ जाए, जैसी कड़ी और पकौड़े हमारे बनकर तैयार हुए हैं। पकौड़े एकदम सॉफ्ट और बहुत